चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो के साथ जो कि है, बहुत सारे दोस्तों ने हमको कमेंट में पूछा है कि भाई एप्सन का L3200 हो या एप्सन का L3100 हो या एप्सन का L3210 हो, इन प्रिंटरों में कितना GSM तक पेपर सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल था कि कितने GSM का ये प्रिंटर पेपर सपोर्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एप्सन का L3200 हो या एप्सन का L3210 हो या एप्सन का 3100 प्रिंटर हो या एप्सन का 3110 प्रिंटर हो, इन सारों प्रिंटर देखने में सेम ही है दोस्तों। ये प्रिंटर्स मल्टी फंक्शनल वाला प्रिंटर है एप्सन का। तो हमने इसको प्रैक्टिकल करके आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था कि एप्सन का L3200 प्रिंटर हो या एप्सन L3100 प्रिंटर हो, दोनों प्रिंटर यानी कि एप्सन का L3210 प्रिंटर भी 250 GSM तक सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। इससे ऊपर हमने टेस्ट नहीं किया, इसलिए आप लोगों को अभी हम नहीं बता पाएंगे कि 250 से भी ज्यादा पेपर ये सपोर्ट करता है या नहीं, लेकिन हम 250 GSM तक पेपर इसमें डाल करके देखा था। आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। उसमें हमने प्रैक्टिकल किया था कि एप्सन का L3200 हो या एप्सन का 3100 हो, ये प्रिंटर्स 250 GSM तक पेपर सपोर्ट करता है दोस्तों। इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए कि एप्सन का जो प्रिंटर्स है, ये प्रिंटर कितना GSM सपोर्ट करता है, खास करके एप्सन का L3200, एप्सन का L3210 या एप्सन का 3100 या 3110। ये सारों प्रिंटर देखने में सेम ही है, साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, हमको तो नहीं लगता है डिफरेंस है, लेकिन जो वेट है वेट में भी थोड़ा डिफरेंस लग जाएगा, लेकिन देखने में सेम ही है, ये सारों प्रिंटर देखने में सेम ही है। तो आप लोग बिलो 15,000 में ये प्रिंटर्स खरीद सकते हो। हमने किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है, बस प्रैक्टिकल बात आप लोगों को बोल रहा हूँ। हमने खुद यूज किया है एप्सन L3200, एप्सन L3100, एप्सन L3210 प्रिंटर। प्रिंटर बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका ड्यूटी साइकिल भी एक हमको फ्रेंड ने पूछा था, इसका ड्यूटी साइकिल कितना है। ड्यूटी साइकिल ऐसे बताने में मुश्किल होगा क्योंकि हमको प्रिंटिंग कैसा है और प्रिंटिंग क्वालिटी कैसा है ये हमको देखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि एक व्हाइट पेपर ले लीजिए और उसमें सिर्फ एक लाइन है ब्लैक कलर का, तो ऐसे प्रिंटर आप लोग ढेरों लाखों प्रिंटर कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे ही एक A4 साइज का पेपर जो है, उस पेपर में आप लोग अगर ज्यादा सा कुछ लिख करके प्रिंट करोगे तो उसका जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग क्वांटिटी कम ही रहेगा। तो प्रिंटिंग क्वालिटी के हिसाब से ये ड्यूटी साइकिल होगा, लेकिन प्रिंटर बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।